हमने पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं. तो 18th क्वेश्चन पर हमें गिवन है, इफ ए इज मैट्रिक्स 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है. तो इसके लिए हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, हमें एडजेक्टिव ऑफ ए फाइंड करना होता है और मॉड ऑफ ए फाइंड करना होता है. तो अगर हम मॉड ऑफ ए फाइंड करते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 इन ब्रैकेट इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ 2 देन माइनस 2 इंटू 2 दिस इज माइनस 2 माइनस 0 और ये तो 0 हो जाएगा. सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 2 इंटू माइनस 2 ये हो गया प्लस 4 तो यहाँ से ये हमें मिल गया 1. मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमें मिल गई 1. अब हमें फाइंड करना है एडजेक्टिव ऑफ ए और एडजेक्टिव ऑफ ए के लिए हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हमें को फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं. हम फाइंड करते हैं a11 के लिए मैंने आपको बताया था कि माइनस 1 के पावर पे हम इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे और 1 अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बचे चार टर्म्स लिखते हैं. तो ये हमें मिल जाएगा -1 -2 -1 -1 और 1. सॉल्व कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 और -1 -2 तो ये हो गया -3. मतलब a11 की वैल्यू मिल गई -3. इसी तरह से हम सारे को फैक्टर्स फाइंड करते हैं a12 a13. तो a12 यहाँ से क्या मिल जाएगा, नेगेटिव ऑफ दिस माइनस ऑफ 2 माइनस 0 दैट मीन्स ये मिल गया 2. फिर a13 मिल जाएगा हमें -2 -1 दैट इज 2. a11 a12 a13 हमने फाइंड किया. इसी तरह हम फाइंड करते हैं a21 ये हमें मिल रहा है -2. फिर हम फाइंड करते हैं a22 दिस इज 1 a23 दिस इज आल्सो 1 देन हम फाइंड करते हैं a31 हमें मिल रहा है -4 a32 हमें मिल जाएगा 2 और a33 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3. सॉल्व करके देखिएगा, जैसे हमने इसे फाइंड किया सभी को हमें वैसे ही फाइंड करना है सिमिलर मैनर पे. और जैसे यहाँ पर 1+1 मैंने इसे लिया है, अगर हम 2-1 लेंगे तो यहाँ पर 2+1 हो जाएगा, अगर हम 3-2 लेंगे तो ये 3+2 हो जाएगा. तो जो हम लेंगे जिस को फैक्टर को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें लेना है और उस रो और उस कॉलम को छोड़ के बाकी 4 एलिमेंट्स हमें इस तरह से लेनी है. अब हमें को फैक्टर्स मिल गए, अब हमें फाइंड करना है एडजेक्टिव ऑफ ए. एडजेक्टिव ऑफ ए मैंने आपको बताया था ये हमें मिलता है a11 a12 a13 देन a21 a22 a23 a31 a32 a33. ये इस तरह से हमें मिलता है. अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं इन सभी को फैक्टर्स की. तो a11 हमें मिला था -3, a12 दिस इज 2 और ये भी a13 भी 2 था, a21 इसकी वैल्यू थी -2, a22 1 a23 भी 1. फिर a31 हमें मिल रहा था -4, a32 2 मिल रहा है और ये 1. तो ये हमें इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ ए मिल गया. हमें मालूम है ए इनवर्स होता है एडजेक्टिव ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए. अब मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमें 1 मिली हुई है, इसका क्या मतलब है कि जो एडजेक्टिव ऑफ ए है वही ए इनवर्स होगा. तो डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं, तो ये इस तरह से हमें मिल गया. अब ए इनवर्स हमें मिल गया, ए इनवर्स ही हमें फाइंड करनी थी. हमें इसी क्वेश्चन में आगे गिवन है
using A inverse, solve the system of linear equations. और three equations हमें given हैं. First equation है x minus 2y is equal to 10. Second equation है 2x minus y is equal 2x minus y minus z is equal to 8. And third equation है 2y plus z is equal to 7. ये three equations हैं given हैं. A inverse को use करते हुए हमें x, y, z की values find करनी है. तो ये हमने मैट्रिक्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है. तो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं देखिए. अब अगर हम मान लें कि ये थ्री इक्वेशंस जो हैं, अगर हम इसके मैट्रिक्स बनाना चाहें, अगर हम एक्स वाई जेड के फॉर्म पे मैट्रिक्स लेना चाहें तो हम किस तरह से ले सकते हैं. तो इसके लिए देखिए, तो हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं. तो ये हो जाएगा 1 क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है. देन -2 और z के कंपोनेंट्स नहीं हैं तो ये z का कोफिशिएंट हो गया 0. फिर यहाँ से 2 -1 -1 देन 0 -2 1. ये 0 हो गया क्योंकि इसमें x का टर्म नहीं है. अब आप देखिए, इसे अगर हम इस मैट्रिक्स से मिलाना चाहें तो आप देखिए कि इनके जो रो और कॉलम की वैल्यू है वो आपस में एक्सचेंज है. यहाँ पर जो फर्स्ट रो था वो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बन गया है. यहाँ पर जो सेकंड रो था वो इसका सेकंड कॉलम बन गया. मतलब हम इसे बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स था यहाँ पर ए मैट्रिक्स, ये उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहा है. अब हमें ए इनवर्स को यूज़ करके सॉल्व करना है. तो डायरेक्ट हम जब ए इनवर्स को लेंगे तो इस मैट्रिक्स के लिए हम इस इनवर्स का भी रो और कॉलम चेंज कर देंगे. तो ये हमें मिल जाएगा -3 -2 -4 2 1 2 देन 2 1 3. देखिए ये जो A इनवर्स हमने यहाँ पर फाइंड किया है ये करेक्ट है, पर यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म में इसकी ज़रूरत है, इसलिए हमने इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज किया है. सॉल्व करते हैं. तो हमने स्टडी किया था, हम लिखते हैं इसे ए एक्स is equal to b. यहाँ पर a, अगर हम यहाँ से x को find करें तो ये हो जाएगा a inverse b. x क्या indicate कर रहा है यहाँ पर, जो ये three terms हैं x, y, z. और a inverse की value put करते हैं जो हमने इसके लिए find की थी. और b क्या हो जाएगा, जो हमें यहाँ पर इसके right side पर values मिल रही थी 10, 8, 7. अब सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से देखिए -3 × 10 ये हो जाएगा -30 +2 × 8 ये हो गया 16 +2 × 7 = 14. नाउ -2 × 10 दिस इज -20 +8 + 7 देन -40 +16 + 21. सॉल्व करिए, -30 और 16 + 14 ये भी हो जाएगा 30, तो ये हो गया 0. देन 8 + 7 इज 15, 15 - 20 दिस इज़ -5, -40 और ये ऐड करिए इसे तो ये हो जाएगा 37, -40 + 37 -3. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 0, y की वैल्यू मिल गई -5 और z की वैल्यू मिल गई -3. तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं और इक्वेशंस की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. थ्री इक्वेशंस हमें गिवन है, 3x + 2y - 2z = 3, देन x + 2y + 3z = 6, देन 2x - y + z = 2. ये थ्री इक्वेशंस हमें गिवन हैं, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है मैट्रिक्स मेथड से. तो जैसे अभी हमने सॉल्व किया, सिमिलर मैनर में हमें फिर से सॉल्व करना है. तो यहाँ पर मैंने इन थ्री इक्वेशंस के कोफिशिएंट को लिखे हैं मैट्रिक्स ए बनाकर. तो ये फर्स्ट इक्वेशन के x, y, z के कोफिशिएंट,
सेकेंड इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोफिशियंट एंड थर्ड इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोफिशियंट यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। अब हमें पहले ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तभी हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एडजेक्टिव ऑफ ए फाइंड करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ ए के लिए इसके सभी को फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, देन ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, देन ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी होगी। तो ए वन वन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, टू इंटू वन माइनस माइनस वन इंटू थ्री, तो ये प्लस हो जाएगा, दैट इज़ फाइव। तो ए वन वन हमें मिल गया फाइव। फिर ए वन टू फाइंड करते हैं, तो ए वन टू हमें यहाँ से मिल जाएगा वन इंटू वन माइनस टू इंटू थ्री, तो वन माइनस सिक्स, दैट इज माइनस ऑफ फाइव, पर ये वन टू है मतलब नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। फिर ए वन थ्री फाइंड करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस वन माइनस फोर, दैट इज माइनस फाइव। फिर हम फाइंड करते हैं ए टू वन, ए टू वन के लिए हमें मिल जाएगा टू माइनस टू ज़ीरो। ए टू टू फाइंड करते हैं, तो ये मिल जाएगा थ्री प्लस सेवन, थ्री प्लस फोर सेवन। फिर ए टू थ्री फाइंड करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन, पर ये टू थ्री है मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह से थ्री वन थ्री टू और थ्री थ्री फाइंड करते हैं। तो इस तरह से हमें ये सभी को फैक्टर्स मिल गए। अब हम फाइंड कर लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ ए। एडजेक्टिव ऑफ ए हमें यहाँ से मिल जाएगा ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, देन ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। ये एडजेक्टिव ऑफ ए की वैल्यू मिल गई। अब हम फाइंड करते हैं मॉड ऑफ ए। तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव ऑफ ए मिल गया। अब हम फाइंड करते हैं मॉड ए। तो मॉड ए हमें यहाँ से मिल जाएगा थ्री इन ब्रैकेट टू इंटू टू, टू इंटू वन माइनस दिस माइनस थ्री, मतलब ये हो गया प्लस थ्री, माइनस टू इन ब्रैकेट वन माइनस सिक्स प्लस देन दिस माइनस टू माइनस वन माइनस फोर। सॉल्व करिए, थ्री प्लस टू फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, ये हो जाएगा माइनस फाइव, माइनस फाइव इंटू माइनस टू, दिस इज प्लस टेन, देन दिस इज माइनस फाइव इंटू टू टेन, तो ये हमें मिल गया थर्टी फाइव। मॉड ए की वैल्यू हमें मिल गई थर्टी फाइव। अब हम फाइंड कर सकते हैं इसका इनवर्स। तो ए इनवर्स हमें मिल जाएगा एडजेक्टिव ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ए यहाँ से हमें मिला है 35, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाई 35 और यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ ए। तो ये इस तरह से हमें मिल गया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ से हम लेते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स हमने फाइंड किया 1 अपॉन 35, 5 5 माइनस 5, 0 7 7, 10 माइनस 11 4। और b क्या है, जो हमें थ्री इक्वेशंस गिवन थे उसके राइट साइड की वैल्यू। तो यहाँ पर इनकी राइट साइड की वैल्यू मैं लिख रही हूँ, दिस इज 3 6 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये 1 बाई 35 एज इट इज़ ले रहे हैं और इसे लेते हैं 5 इंटू 3 15 प्लस 0 प्लस 10 इंटू 2, दिस इज 20। नाउ 5 इंटू 3 15 प्लस 7 इंटू 6 42 प्लस माइनस 11 इंटू 2, दिस इज माइनस 22। फिर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 प्लस 7 इंटू 6 42
प्लस 8, ये इस तरह से हमें मिल गया। सॉल्व करते हैं, 15 प्लस 20 35, 15 प्लस 42 माइनस ऑफ 22 करेंगे तो यहाँ से ये भी हमें मिल जाएगा 35। अप करके देखिएगा, यहाँ पर 42 प्लस 8 ये हो जाएगा 50 माइनस 15 दिस इज़ ऑल्सो 35। तो ये इस तरह से मिल गया, मतलब अगर हम 35 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1। दैट मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ यहाँ से क्या क्या मिल रही हैं, एक्स इज़ 1, वाई इज़ 1 एंड जेड इज़ ऑल्सो 1। 1 1 1 यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल रही है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, गिवन मैट्रिक्स ए हेयर इज 2 2 माइनस 4 माइनस 4 2 माइनस 4 2 माइनस 1 5 एंड मैट्रिक्स बी इज 1 माइनस 1 0 2 3 4 0 1 2। ये गिवन है, फाइंड बी ए, बी इंटू ए हमें फाइंड करना है एंड यूज दिस टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 17। ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बी ए, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, बी इंटू ए हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हम मैट्रिक्स बी को लेंगे, 1 माइनस 1 0 2 3 4 0 1 2। फिर मैट्रिक्स ए को लेते हैं, 2 2 माइनस ऑफ 4, देन -4 2 -4 2 -1 5। मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 2 ये हो गया 2, -1 इंटू -4 दिस इज़ 4 और ये हो जाएगा 0। फिर 1 इंटू 2 ये हो गया 2, -1 इंटू 2 -2, देन 1 इंटू -4 दिस इज़ -4, -1 इंटू -4 +4। ओके, फिर सेकेंड रो को करते हैं, 2 इंटू 2 दिस इज़ 4, देन 3 इंटू -4 -12, 4 इंटू 8 +8, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 दिस इज 6 एंड 4 इंटू -1 -4। आफ्टर दिस 2 इंटू -4 दिस इज -8, 3 इंटू -4 -12, 4 इंटू 5 20। नाउ 0 इंटू 2 0, 1 इंटू -4 -4, 2 इंटू 2 दिस इज 4, 0 into 2 0, 1 into 2 this is 2 and 2 into -1 -2, 0 into 4 ये हो गया 0, 1 into -4 -4, 2 into 5 10। ये इस तरह से मिल गया, सॉल्व करके लिखिए, 2 plus 4 6 minus 2 2 minus 2 0, this is also 0। ये भी आप सॉल्व करिएगा, 4 plus 8 हो जाएगा 12 12 minus 12 0, -4 plus 4 0, यहाँ से 4 4 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 6, 2 minus 2 0, यहाँ से -8 minus 12 minus 20 plus 20 0 हो गया और -4 plus 10 दिस इज़ ऑल्सो 6। तो यहाँ से देखिए सारे एलिमेंट्स 0 हो गए, डायगोनल पर हमें 6 6 6 मिल रहा है। तो अगर हम 6 को कॉमन ले लेते हैं तो ये मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहा है, मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गया, बी ए इज इक्वल टू 6i। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंडिकेट करता है। अब अगर हम यहाँ से ए इनवर्स फाइंड करना चाहें तो ए इनवर्स हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स के लिए ए को ट्रांसफ़र करेंगे तो आप करके देखिएगा, ए इनवर्स हमें यहाँ से मिल जाएगा बी बाई 6। ओके, ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई बी बाई 6। इसी तरह से अगर हम फाइंड करना चाहें बी इनवर्स तो ये हमें मिल जाएगा ए बाई 6। ओके, तो ये दोनों इस तरह से हमें मिल रहे हैं। अब हमें जो क्वेश्चन में इक्वेशंस दिए हुए हैं उन 3 इक्वेशंस को देखिए,
हमें कौन कौन से इक्वेशन गिवन है, y प्लस 2z इज इक्वल टू 7, x माइनस y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 17। अब इसे मैं यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ कि आप इसे देखकर ये बताइए कि ये ए या बी कौन से मैट्रिक्स में इसके कोफिशियंट आएंगे। तो इनके कोफिशियंट्स को हम लिखते हैं। अब यहाँ से इसका फर्स्ट है 1-1, 0। इसका सेकंड इक्वेशन देखिए, x का कोफिशियंट 1, y का कोफिशियंट -1, z का टर्म 0। फिर 2, 3, 4, थर्ड इक्वेशन 2, 3, 4, फर्स्ट इक्वेशन 0, 1, 2, मतलब ये बी मैट्रिक्स हमें मिल रहा है। तो अगर हमें इनकी वैल्यूज चाहिए तो हमें इस बी मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए, और बी इन्वर्स क्या मिल रहा है, ए बाई 6, जो मैट्रिक्स ए है उसका अपॉन 6। मतलब अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ से मिल जाएगा बी इन्वर्स, हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स, और इसका कोफिशिएंट को सपोज मैंने सिग नाम दिया, तो यहाँ पर एक्स इंडिकेट करेगा एक्स वाई जेड, और बी इन्वर्स की वैल्यू है ए बाई 6, तो ये हो जाएगा 1/6, और मैट्रिक्स ए को लिख लीजिए 2, 2, -4, -4, 2, -4, 2, 1, 5, और सी क्या है इसके टर्म्स। अब यहाँ पर उसी ऑर्डर में हम लेंगे जिस ऑर्डर में हमने इसको लिया था, तो ये हो जाएगा 3, 17, 7। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से ये 1/6 है, 2 × 3 ये हो जाएगा 6, प्लस 2 × 17 34, -4 × 7 दिस इज 28, देन -4 × 3 -12, 2 × 17 34, -28, देन 6 − 17 प्लस 5 × 7 35। ये इस तरह से हमें मिल गया। सॉल्व करेंगे 6 + 34 = 40, एंड 40 − 28 करेंगे तो ये मिल जाएगा 12, और यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा -6। यहाँ से देखिए 35 − 17 अगर हम करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 18 + 6 = 24, ये मिल गया। 6 से डिवाइड करेंगे तो 12/6 = −6/6 − 1, 24/6 ये होगा 4। मतलब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 2, y की वैल्यू मिल गई -1, और z की वैल्यू मिल गई 4, ठीक है। और यही x, y, z हमें फाइंड करना था, तो इस तरह से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a प्लस ए बी सी बी सी ए बी डिटर्मिनेंट इज 0, देन प्रूव दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमें गिवन है a बी सी बी सी ए और सी ए बी। यहाँ पर हम करते हैं रो वन में रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री, ये ऑपरेशन हम यहाँ से करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी, देन b प्लस सी प्लस ए, तो इसे भी हमें प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, और यहाँ भी हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी। बाकी टू रोस एज इट इज हैं। यहाँ से फर्स्ट रो से हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी कॉमन, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 BC 1 CA 1 AB, ये इस तरह से हमें मिल गया। अब हम यहाँ पर सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, हम यहाँ से लेते हैं C2 = C2 − C1 and C3 = C3 − C1। तो यहाँ से ये a प्लस बी प्लस सी पहले से है,
जब हम C2 में ऑपरेशन करना है, C1 को एज इट इज़ लिख लीजिए और यहाँ पर हमें करना है C2 माइनस C1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 जीरो, C माइनस बी, A माइनस सी। इसी तरह से 1 माइनस 1 जीरो, A माइनस बी एंड B माइनस सी। इसे हम रो वन के एक्रॉस ओपन कर लेते हैं, तो जब रो वन के एक्रॉस ओपन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा C माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस A माइनस बी इंटू ए माइनस सी। मल्टीप्लाई करिए, आप देखिए ध्यान दीजिए, ये हमें ज़ीरो के इक्वल दिया हुआ है, तो हम इस तरह से इसे ज़ीरो ले सकते हैं, ये भी हो जाएगा ज़ीरो। तो हमें दिया हुआ है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है मतलब ये टर्म ज़ीरो के इक्वल होगा। ओके, तो ये हमें मिल जाएगा सी इंटू बी, बी सी माइनस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए सी माइनस प्लस ए बी माइनस बी सी। यहाँ से देखिए, ये बी सी पॉजिटिव, बी सी नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो टर्म्स मिल रहे हैं उसे हम लिखते हैं, ये ए प्लस बी प्लस सी पहले से है, यहाँ से अगर हम माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं और टू का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर जो टर्म मिलेगा उसे मैं लिख रही हूँ, माइनस साइन हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा टू सी स्क्वेयर, क्योंकि टू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा टू बी स्क्वेयर और टू ए स्क्वेयर, और यहाँ से हमें ये मिल जाएगा माइनस टू बी सी माइनस टू ए सी माइनस टू ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। अब हम इसे लिख सकते हैं, दिस बिकम्स फॉर्मूला ऑफ, यहाँ पर एक एक फॉर्मूले में हम इसे ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर ए बी है माइनस टू ए बी, तो इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी सी के लिए हम लिख सकते हैं बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और ए सी है मतलब हम लिख सकते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इनके टर्म्स भी गिवन हैं। ठीक है, अब ये हमें गिवन है कि ये ए प्लस बी प्लस सी ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है मतलब ये टर्म ज़ीरो के इक्वल होगा। ओके, इसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, हमें मिल रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर किसी तीन टर्म्स का समेशन है और वो ज़ीरो के इक्वल है, मतलब क्या होगा कि ये सभी इंडिविजुअली ज़ीरो के इक्वल होंगे, बी माइनस सी भी ज़ीरो के इक्वल होगा और सी माइनस ए भी ज़ीरो के इक्वल होगा। तो अगर ये ज़ीरो के इक्वल हैं, सॉल्व करेंगे यहाँ से हमें मिल जाएगा इस तरह से, तो अगर ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, सी इक्वल टू ए है, हम बोल सकते हैं ए बी सी तीनों आपस में इक्वल होंगे, और यही हमें प्रूफ करना था, इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं सी वन इज इक्वल टू सी वन माइनस सी टू एंड सी टू इज इक्वल टू सी टू माइनस सी थ्री। तो पहले C1 में ऑपरेशन करते हैं, तो C1 माइनस C2 हमें करना है, तो बी सी माइनस ए स्क्वेयर माइनस सी ए प्लस बी स्क्वेयर, ये हो जाएगा बी सी माइनस ए स्क्वेयर माइनस सी ए प्लस बी स्क्वेयर। इसी तरह से इसे करेंगे तो ये हो जाएगा सी ए माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वेयर देन ए बी माइनस सी स्क्वेयर माइनस बी सी प्लस ए स्क्वेयर, ये मिल गया। इसके बाद हमें करना है सी टू इज़ इक्वल टू सी टू माइनस सी थ्री, तो ये हो जाएगा सी ए माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वेयर, ये हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वेयर।
minus BC plus A square, then BC minus A square minus CA plus B square. और ये जो थर्ड वाला है ये एज इट इज़ यहाँ पर हम लिख रहे हैं. अब यहाँ पर ये जो कॉलम्स हमें मिल रहे हैं इसे हम लिख सकते हैं b माइनस सी इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी. ओके, और यहाँ पर इस टर्म को हम लिख सकते हैं c माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी. और इसी तरह हम इसे लिख सकते हैं a माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी. नाउ सेकेंड में देखिए, इसे हम लिख सकते हैं c माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी. और इसे हम लिख सकते हैं a माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी. और ये हो जाएगा b माइनस ए ए प्लस बी प्लस सी. और थर्ड रो तो एज इट इज़ है, ए बी माइनस सी स्क्वेयर बी सी माइनस ए स्क्वेयर सी ए माइनस बी स्क्वेयर. अब यहाँ से कॉलम वन और कॉलम टू से हम ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं. तो अगर हम यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो ये हो गया कॉलम वन से, कॉलम बी से भी आएगा इसलिए हम इसका स्क्वेयर लिख लेते हैं. यहाँ पर मिल गया बी माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस सी सी माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस ए. और ये है ए बी माइनस सी स्क्वेयर बी सी माइनस ए स्क्वेयर सी ए माइनस बी स्क्वेयर. ये मिल गया. अब हम करते हैं रो वन इज इक्वल टू रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री. तो यहाँ पर जब हम करेंगे बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए माइनस सी करके देखिएगा, ये हमें मिल जाएगा ज़ीरो. इसी तरह से यहाँ भी ये हमें मिल जाएगा ज़ीरो. और यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ये इस तरह से हमें मिल जाएगा. बाकी टू कंडीशंस बाकी टू रो एक समान है. दिस इज सी माइनस बी दिस इज ए माइनस सी देन ए माइनस सी बी माइनस ए. और ये है बी सी माइनस ए स्क्वेयर सी ए माइनस बी स्क्वेयर. ओके, अब इसे हम रो वन के अक्रॉस ओपन करते हैं. तो रो वन के अक्रॉस ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये टर्म भी हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर. और इसके अक्रॉस हम ओपन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ये टर्म और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा c माइनस बी इंटू बी माइनस ए. मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वेयर सॉरी प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी. ओके, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस ए सी माइनस सी स्क्वेयर. ओके, तो ये इस तरह से हमें मिल गया. यहाँ से ए सी नेगेटिव ए सी पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाएगा. और आप करके देखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. मैं इसे अलग अलग लिख रही हूँ a प्लस बी प्लस सी. यहाँ पर इस नेगेटिव साइन को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये हो जाएगा, पहले इसको लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. और यहाँ से माइनस नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर फिर ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने से ये सभी पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव हैं. और ये हमें मिल जाएगा माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी. ठीक है, तो ये दोनों एक समान टर्म्स हैं. मतलब हम इसे लिख सकते हैं
a plus b plus c, a plus b plus c, and a square plus b square plus c square minus bc minus ab minus ca का होल स्क्वायर. अब हमें पूछा गया है कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो कंडीशन है वो a प्लस बी प्लस सी से डिविजिबल है. तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, मतलब ये इससे डिविजिबल है. और जब डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन पर ये a वन टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का टर्म हमें क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन की वैल्यू, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्वेश्चन भी पूछा गया है. ठीक है, तो ये थोड़ा तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, पर इसमें जो कंडीशंस गिवन है उसे हमें बहुत ही केयरफुली अप्लाई करना है. इसके जो साइन वगैरह हैं वो हमें देख करके करने हैं. ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट एक्स ए वाई बी जेड सी वाई सी जेड ए एक्स बी जेड बी एक्स सी वाई ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इंटू डिटर्मिनेंट ए बी सी सी ए बी बी सी ए. ये हमें प्रूफ करना है. तो हम ये वाला डिटर्मिनेंट लेते हैं एक्स ए वाई सी जेड बी वाई बी जेड ए एक्स सी एंड जेड सी एक्स बी वाई ए और इसे ओपन करते हैं. तो रो वन के अक्रॉस ओपन करेंगे तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन. तो ये हो जाएगा वाई जेड इंटू ए स्क्वेयर, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस बी सी एक्स स्क्वेयर. ओके, इसी तरह से ये हो जाएगा वाई बी, इनका मल्टीप्लिकेशन वाई स्क्वेयर सी ए माइनस जेड स्क्वेयर ए बी. फिर थर्ड एलिमेंट है जेड सी, इसके क्रॉस ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा दिस एक्स वाई सी स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर ए बी. ये मैंने गलत किया है, आप इसे सुधार लीजिए. ये हमें मिल जाएगा एक्स जेड बी स्क्वेयर. ओके, तो ये इस तरह से मिल गया. इनका भी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स ए का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड और ए स्क्वेयर और ए मल्टीप्लाई होके हो गया ए क्यूब. देन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी और एक्स क्यूब. नाउ इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए बी सी वाई क्यूब और यहाँ से ये हो जाएगा एक्स वाई जेड बी क्यूब. देन दिस एक्स वाई जेड सी क्यूब माइनस एक्स सॉरी ए बी सी जेड क्यूब. ये हमें मिल गया. अब कुछ टर्म्स में आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड है, कुछ टर्म्स में ए बी सी है. हम एक्स वाई जेड को अगर कॉमन लेते हैं तो ये मिल जाएगा यहाँ से ए क्यूब, यहाँ से हमें मिल रहा है दिस प्लस बी क्यूब प्लस दिस सी क्यूब. ओके, और अगर हम माइनस ए बी सी को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाएगा, दिस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब. ये हमें मिल गया. ठीक है, अब हमने पढ़ा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड के. ओके, हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो के इक्वल है. तो अगर ये टर्म ज़ीरो के इक्वल है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा, थ्री एक्स वाई जेड के इक्वल. तो यहाँ से हम एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की जगह पर थ्री एक्स वाई जेड लिख सकते हैं. तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड इन ब्रैकेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं थ्री एक्स वाई जेड. ओके, अब देखिए यहाँ भी एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को टोटली कॉमन ले लेते हैं
तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस दिस 3abc. ओके, ये इस तरह से मिल गया. अब हम इसे लिख सकते हैं ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए. ये डिटर्मिनेंट, ये जो वैल्यू है, आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी. अगर आप चाहें तो इसे कर भी सकते हैं, हम करते हैं. तो ये हो जाएगा a, देन a स्क्वायर माइनस बी सी, आफ्टर दिस माइनस b, ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, सी स्क्वायर माइनस ए बी. ठीक है, यहाँ से ये हो गया ए क्यूब माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी. आप देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आफ्टर दिस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, ये हो जाएगा माइनस 3abc. मतलब ये जो वैल्यू है उसको हमने इस डिटर्मिनेंट से रिप्लेस कर दिया और वही वैल्यू हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी. ये राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल गई. तो इसे इस तरह से कर सकते हैं. ओके, तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी और डिफ्रेंसीबिलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम डिटर्मिनेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे.